अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। सबसे पहले आज 22 मई 2019 की बड़ी अपडेट्स लेंगे। और आप लोग को पता होगा दोस्तों आज 22 मई तो कल आप लोग की 23 मई होने वाली है जो कि अगली कोर्ट की नई डेट। तो दोस्तों कल मामला कोर्ट में जाने वाला है तो कल क्या होगा कोर्ट में 23 मई को, दोस्तों ये काफी बड़ी बात होगी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले, आज की दिन की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि चुनाव के नतीजे पर निर्भर होगी 60 और 65 की जीत। जी हाँ दोस्तों, अब कल ये पता चलने वाला है कि कितने योग्य बच्चों ने सरकार का सपोर्ट किया है, मतलब योगी सरकार का। सीधा सीधा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है, जो बच्चे 60 और 65 के समर्थक है अगर उन्होंने उतना ही अच्छा सपोर्ट किया होगा कल उनकी सरकार बनने में तो डेफिनेटली दोस्तों 60 और 65 की जीत आप निश्चित समझिए अगर यूपी में बीजेपी के 70 से प्लस अधिक सीटें आती हैं दोस्तों, तो 60 और 65 की जीत भी दोस्तों काफी हद तक निर्भर हो जाएगी। अगर इतनी सीट्स नहीं आती, पिछले बार से खराब प्रदर्शन होता है तो दोस्तों काफी मुश्किल होने वाला है। तो 60-65 की जीत दोस्तों निर्भर किस पर करेगी, कल के चुनाव के नतीजों पर, वो भी बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है ये आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अगर कल आप उनको जिताएंगे अच्छे वोटों से तो आपके लिए डेफिनेटली वो वर्क करेंगे। दोस्तों देखिए एक चीज और है, जो बच्चे कुछ बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे थे कि सर 60-65 और 40-45 के लिए आप एक अलग से चैनल बनाइए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए नए चैनल्स कल ही लॉन्च हो रहे हैं 23 मई के साथ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए दो नए YouTube चैनल आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 60-65 समर्थक कौन कौन से, दोस्तों आप लोग भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं 60-65 समर्थक और 40-45 समर्थक। तो दोस्तों 60-65 में गरिमा वर्मा, सूरज राजपूत, राहुल यादव और कासिफ खान जी 60-65 का समर्थक है, और 40-45 के आर्यन राठौर, विजय सोनकर, पटेल भाई और सना। तो दोस्तों ये सब बच्चे 60-65 और 40-45 के अलग अलग समर्थक हैं। तो आप जिसके भी समर्थक को आप लोग दोस्तों उस चैनल से जुड़िएगा सीधे तौर पर। अगर दोस्तों आप लोग 60 और 65 के समर्थक हैं तो आप 60 और 65 के चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 60 और 65 की ही बात होगी और 60-65 को जिताने की पूरी कोशिश होगी। अगर दोस्तों आप 40 और 45 के समर्थक हैं तो आप लोग को 40 और 45 के चैनल से जुड़ना चाहिए जहाँ पर आप लोग की जीत की कामना या जीत की कोशिश काफी हद तक ज्यादा की जाएगी। तो दोस्तों कल का दिन भी आपके लिए बड़ा होगा, कल कोर्ट का नतीजा आएगा, चुनाव के नतीजे आएंगे और आपके लिए दो नए YouTube चैनल आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अपने सपोर्ट के चैनल से जुड़ना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप लोग को जीत काफी हद तक पक्की हो सके। दोस्तों काफी बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर कल तो 60-65 जीत रहा था और आज 40-45 जीत रहा है, ऐसा कैसे होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वोटिंग हमारे पास मिली है सबसे ज्यादा वो 60 और 65 के समर्थक के बच्चों ने दिया है और 40 और 45 के परसेंट भी 29% दोस्तों वोट्स आए। तो आप लोग दोस्तों अपने सपोर्ट के चैनल से कल ही जुड़िए, जिससे दोस्तों आप लोग को पता चलेगा YouTube पर जो सबसे बड़े सपोर्ट चैनल होंगे 60 और 65 के, वो चैनल के लीडर होंगे गरिमा वर्मा, सूरज राजपूत, राहुल यादव और कासिफ खान जी होंगे, और जो आपका दोस्तों 40-45 के समर्थक की सबसे बड़ी टीम होगी वो इन चार बच्चों के हाथ में होने वाली है। तो दोस्तों कल का भी दिन बड़ा है आपके लिए, तो आप लोग अपने सपोर्ट के चैनल से जुड़ेंगे तो दोस्तों आप लोग को एक नई टेक्नोलॉजी, नई ताकत का अंदाजा कुछ होने वाला है कल से। तो दोस्तों आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन। और दोस्तों एक चीज और आपके लिए बड़ी खबर क्या है, 23 मई की अहम सुनवाई में टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अपीयर होने वाला प्रस्तावित पैनल, दोस्तों जो भी है उसको हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावित पैनल कौन सा है जो कल आपका अपीयर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले है मोस्ट सीनियर इलाहाबाद बेंच श्री एच एन सिंह, टॉप सीनियर एंड फायर ब्रांड श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा। तीसरा दोस्तों यूपी बेसिक एजुकेशन के टॉप लीगल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली श्री आर के सिंह, विधि चाणक के एंड केस सूक्ष्म विश्लेषक श्री अमित भदौरिया, समत बिंदुओं के ब्रीफिंग परफेक्ट एडवोकेट श्री राहुल सिंह। तो दोस्तों कल ये टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अपीयर होंगे, ये मतलब 40 और 45 या शिक्षा मित्रों का सपोर्टर दोस्तों, ये पूरा ग्रुप आप कह सकते हैं। अब दोस्तों कल ये भी इम्पोर्टेंट है कि जज साहब का बड़ा फैसला क्या आएगा, जज साहब का फैसला ही क्या आएगा, क्योंकि दोस्तों कल फैसले आने की उम्मीद तो नहीं है, फैसला की जगह शायद हो सकता है आपके लिए एक नई तारीख आ जाए जो कि 23 मई को हटाकर कोई एक नई मई की तारीख बनेगी दोस्तों या जून की, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। और एक बात और आप लोगों को पता है, कल से हो सकता है दोस्तों 23 मई 2019, जी हाँ दोस्तों 23 मई 2019 के बाद आचार संहिता समाप्त की घोषणा हो सकती है। अगर आचार संहिता दोस्तों कल से समाप्त होती है तो आपके लिए कुछ बड़ी खबर आने वाली है, तो दोस्तों तैयार रहना होगा आप लोगों के लिए।
जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव के बाद बड़े फैसले आने की पूरी संभावना है, और उसका सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्तों चुनाव के बाद जो बड़े फैसले आने के दोस्तों रीजन पता है क्या होने वाला है? एक तो आप लोग का जो इलाहाबाद या लखनऊ हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आया था कि 3 महीनों के अंदर इस शिक्षक भर्ती को समाप्त करनी है, तो दोस्तों वो 3 महीने का टाइमलाइन अभी भी सबको याद होगा। तो दोस्तों एक बात वो होगी, अगर सरकार जीतती है, मान लेते दोस्तों कल बीजेपी की यूपी में 70 से अधिक सीटें आती हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली 60 और 65 पर नौकरी मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों, मतलब 60 और 40% दोस्तों ऐसा हो जाएगा कि 60% दोस्तों जो जीतेगा वो 60-65 और 40% 40 और 45। इसका रीजन दोस्तों ये है ना कि 40 और 45 के साथ सरकार का नहीं तो कोर्ट का सपोर्ट तो है ही आज के डेट में, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कह सकते कि सरकार जो चाहेगी वो मनमानी कर सकती है, लेकिन दोस्तों हाँ ताकत का वो यूज कर सकते हैं और 40-45 की जगह 60-65 कटा पर वो नौकरी दे सकते हैं। लेकिन आपको कल कम से कम 70 से अधिक सीटें बीजेपी को जिताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अगर दोस्तों कल ऐसा होता है कि अभी तक कुछ ओपिनियन पोल्स के हिसाब से 60 से अधिक गठबंधन को सीट से मिल रही और बीजेपी को 20+, तो दोस्तों अगर 20 सीट से या 30 सीट आती ना दोस्तों ऐसी सीट अगर आपको देखने को मिलेगी कल, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतना खराब प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से यूपी में होना काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, इतना आप समझ सकते हैं। जो बच्चे 60 और 65 के समर्थक है तो उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज होगी, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं आज की डेट में वो है आपकी सरकार। तो दोस्तों आप सरकार इतनी बुरी हार हारेगी तो मुश्किल होगा, लेकिन कुछ एग्जिट पोल या आप लोग कह सकते हैं कि कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से दोस्तों ये चल रहा है, गठबंधन को 60 से अधिक सीटें और जो आपकी सरकार चले उनको 20 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि कल क्या सही होगा, और दोस्तों देखिए कल कुछ भी फैसला आता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी बच्चों ने मिलकर वोट दिया है, तो फैसला जो भी आएगा आपके पक्ष में ही आएगा, आपको आपने जिसको वोट किया होगा डेफिनेटली वही जीतने वाला है। और दोस्तों ईवीएम पर आपका सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ईवीएम को एक इंजीनियर तैयार करता है, और हाँ इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, बात सही है आपकी, इंजीनियर हम भी रह चुके हैं तो हमें भी पता है कि कैसे सॉफ्टवेयर से खेला जाता है। दोस्तों देखिए आप लोग को पता है, एक चीज आपको बता देना चाहते हैं और आपके लिए एक अच्छी खबर देते हैं, जो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं ना उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर आप अपनी फोटो बना के व्हाट्सएप पर नाम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स होगी आपने तो व्हाट्सएप का नाम बदल के आप अपना नाम रख सकते हैं, उस नाम से आपके फोन में वो सॉफ्टवेयर चलेगा, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, उससे एटलीस्ट पैसा भी कमा सकते हैं एडसेंस लगाकर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से भी आप पैसे कमा सकते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो, लेकिन दोस्तों आप लोग को इतनी नॉलेज है नहीं क्योंकि आप लोग इस लाइन के है नहीं, मतलब कहने का मतलब दोस्तों आपने हो सकता है काफी बच्चों ने यहाँ पर बीटेक नहीं किया होगा या टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, या बच्चे बीए बीएससी से होते हैं तो उनको इतनी स्किल्स नहीं होती, लेकिन दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया तो जा सकता है दोस्तों, लेकिन करेगा कोई नहीं, क्योंकि वहां पर जब चुनाव होता है तो आप लोग को पता है कितनी सिक्योरिटी में होता है, तो ऐसा होना काफी मुश्किल है दोस्तों। लेकिन कल का फैसला काफी बड़ा फैसला है दोस्तों सभी बच्चों के लिए, एक तो सरकार किसी की भी बने दोस्तों, हमें तो कौन सी सरकार चाहिए दोस्तों आपको कमेंट करके बताइएगा देश में, या क्या कौन सी सरकार होनी चाहिए दोस्तों, या तो मोदी सरकार की राहुल सरकार दोस्तों, ये आपको कमेंट करके आज बताना है, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों सरकार बनेगी या तो मोदी जी के बीच में या तो राहुल गांधी के बीच में, तीसरा यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, क्योंकि पावर पूरी इन दो बड़े नेताओं के हाथ में है। तो आप लोग कमेंट भी करिएगा दोस्तों, और आप लोग की जो शिक्षक भर्ती से बड़ी अपडेट्स आएगी वो तो मिलेगी कल, आप लोग को अपनी टीम के साथ भी जोड़ना है दोस्तों, 60-65 का टीम और 40-45 वाले बच्चे अपने टीम के साथ, तो दोस्तों आप लोग के लिए भी काफी अच्छी बात रहेगी अपनी टीम के साथ जुड़ेंगे तो आप लोग को अपनी टीम की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी कि 40-45 में कौन जीत रहा है और 60-65 की तरफ से कौन जीत रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को अपनी जानकारी होगी तो आप लोग के लिए काफी अच्छी खबर होगी कि आप किसकी टीम में हैं, आपकी टीम जीत रही है हार रही है, तो दोस्तों आप लोग को अपनी जानकारी होनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो ये फैसला आएगा दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही जल्द होने वाला है। जो बच्चे काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, मानते हैं दोस्तों फरवरी में आप लोग को जो नौकरी मिलनी थी नहीं मिल पाई है, लेकिन दोस्तों अब ये नौकरी जल्द से जल्द मिलेगी, और काफी बच्चों के सवाल आ रहे हैं बीएड को लेकर, तो दोस्तों बीएड की वीडियो अगली वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों अभी फिलहाल कुछ बच्चे कह रहे थे क्या बीएड शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक कि बीएड को शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा या जाने वाला है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ये सोचकर कि इस शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा सकता है।
तो आने वाले शिक्षक भर्ती में दोस्तों बीएड रहेगा या नहीं, चलिए उस पर हम मानते हैं एक डाउट है, एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दोस्तों इस शिक्षक भर्ती में फिलहाल बीएड को बाहर करना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। आसान क्या दोस्तों, या तो शिक्षक भर्ती को कैंसिल करके दोबारा लाने की बात हो रही होगी अंदर में, अंदर की बात दोस्तों अंदर ही वाले जाने तो दोस्तों सही रहता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं हो रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय।